ओके सो आगे आई विल जस्ट डिस्कस डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एलएमएस. एलएमएस जो है वो बेसिकली जो हमने एक स्टैंडर्ड जो है एलएमएस को डिस्कस किया, और उसके रेफरेंस हमने बहुत सी चीज़ें वी हैव ऑलरेडी डिस्कस की. वी हैव टॉक्ड अबाउट के स्टेबिलिटी के लिए क्या कंडीशन हो सकती है, कन्वर्जेंस जो है वो किस तरह से इफेक्ट हो रही होती है डिफरेंट फैक्टर्स से. हमने दो इंपॉर्टेंट चीज़ें जो थी, एक तो मिस एडजस्टमेंट की बात की, और दूसरा जो है वो आइगन वैल्यू स्प्रेड की बात की कि जिसकी बेसिस पे कन्वर्जेंस जो है वो चेंज हो रही होती है, द रेट ऑफ कन्वर्जेंस या कितना क्लोज टू द मिनिमम हमें पॉइंट मिल रहा है. नाउ वी विल टॉक अबाउट फ्यू ऑफ द वेरिएशंस इन एलएमएस एल्गोरिदम जो कि बहुत ज़्यादा यूज़ हो रही हैं डिफरेंट सिचुएशन में, एक्चुअल सिनेरियोज में. और पहले जो है वी विल टॉक अबाउट सर्टन सिंप्लीफाइड एलएमएस एल्गोरिदम्स, और उसके बाद जो है वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट बात करेंगे, एंड देन वी विल स्टॉप विद एलएमएस और नेक्स्ट क्लास से जो हम अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे. सो सिंप्लीफाइड एलएमएस एल्गोरिदम्स जो हैं, अगेन ये टॉपिक और इससे अगला भी इवन जो है मैंने बेरोज की बुक से ही लिया हुआ है. इसमें बेसिकली वी हैव सीन ये वाली इक्वेशन जो है वो हम बहुत दफ़ा देख चुके हैं कि हमारे पास जो है एलएमएस में जो इक्वेशन है, इन ऑर्डर टू अपडेट द फिल्टर टैप्स दिस इज एक्चुअली इक्वल टू एच ऑफ एन प्लस वन इज इक्वल टू एच ऑफ एन प्लस म्यू ई एन एक्स ऑफ एन. ठीक है, वी वेयर म्यू इज द स्टेप साइज, ई एन इज द एरर एट इटरेशन एन, और एक्स ऑफ एन जो है वो इनपुट वेक्टर है एट इटरेशन एन. एच ऑफ एन जो है वो टैप है एन के ऊपर, और एच ऑफ एन प्लस वन जो है वो नेक्स्ट स्टेप के टैप्स हैं. अब इस केस में जो है जो एल्गोरिदम्स आर अ वेरी स्मॉल ट्विकिंग ऑफ और चेंजिंग ऑफ दीज स्टैंडर्ड एल्गोरिदम जिसकी हम बात करते हैं, और उसकी बेस पे लेकिन देर आर सर्टन थिंग्स जो कि आसान हो जाती हैं जिसकी वजह से हम ये एल्गोरिदम्स यूज़ करते हैं, और ये एल्गोरिदम्स आपको सारे मैटलैब में मिल जाएंगे. अगेन व्हेन आई विल गिव यू द होमवर्क तो उसमें जो है वो मोस्ट प्रोबेबली मैंने एल्गोरिदम के भी एप्लीकेशंस को शामिल करूंगी. तो साइन एल्गोरिदम जो है वो सिंपली उसमें क्या हो रहा है कि इंस्टेड ऑफ यूजिंग ई ऑफ एन यानी एरर के बजाय इसको वी चेंज दिस वाई साइन ऑफ ई ऑफ एन, कि अगर आपके पास ई ऑफ एन इज ग्रेटर देन जीरो तो पॉजिटिव लगा देते हैं, अदरवाइज इसकी जगह नेगेटिव लगा देते हैं. सो इट मीन्स के दिस प्लस वुड चेंज आइदर बाय इट विल रिमेन पॉजिटिव और नेगेटिव. अच्छा, इस केस में क्या हो जाता है, व्हाई आर वी डूइंग दिस थिंग, जाहिर है कि इसका मतलब है कि आपके पास एरर कि एक्चुअल वैल्यू जो है उसको तो हम यूज़ नहीं कर रहे, बट वी आर स्टिल टेकिंग इन टू अकाउंट द डायरेक्शन ऑफ एरर, क्योंकि साइन जो एरर का है वो ये चीज़ हमें बता रहा है कि आपके पास स्लोप जो है वो किस डायरेक्शन में होगी. इसकी वजह से व्हाई डू वी डू दैट, डेफिनेटली इट इंक्रीजेस, मतलब ये जो आपके पास फाइनल टैप की कंप्यूटेशन में हमें कोई ना कोई जो आपका टैप होना चाहिए ऑप्टिमाइज, वो ऑप्टिमाइज तो नहीं मिल रहा होगा बिकॉज ऑफ द रीज़न कि हमने वैल्यू को बिल्कुल इग्नोर कर दिया है, मगर इसकी वजह से इम्प्लीमेंटेशन चीपर हो जाती है. ठीक है, जो हमारे पास कन्वेंशनल एलएमएस है उसमें आपको ई ऑफ एन से हर स्टेप पे मल्टीप्लाई करना पड़ता है, जबकि इसमें वो मल्टीप्लीकेशन जो है वो ख़त्म हो जाती है. तो अगर आप हाई स्पीड एप्लीकेशन कर रहे हैं और जिसमें हार्डवेयर ख़ास तौर पर इन्वॉल्व है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कोई कोई भी इस तरह की चीज़ है जिसमें पीछे से जो डेटा है और आपके पास रडार ट्रैकिंग कर रहे हैं आप, या ये कि सबमरीन के साथ कुछ कर रहे हैं, या रियल लाइफ में कोई टाइम पे कुछ भी कर रहे हैं, या इवन ये कि हम जो है वो किसी मेडिकल के इक्विपमेंट की बात कर रहे हैं जिसमें जो भी हमारे पास पेशेंट है उसके साथ हम रियल टाइम में डील करना चाहते हैं, तो जो डेटा लेके और उसको फॉरन प्रोसेस करना है, तो उस केस में कंप्यूटेशन हार्डवेयर पे कर रहे होते हैं. सॉफ्टवेयर पे तो अगर आपके पास बहुत ज़्यादा हाई स्पीड के सिग्नल प्रोसेसर मौजूद हैं तो फिर इट डज नॉट मैटर दैट मच, लेकिन इसमें मे भी हम एक्यूरेसी को ज़्यादा प्रेफर करें, लेकिन जब हमारे पास हार्डवेयर इम्प्लीमेंटेशन की बात होती है तो इन दैट केस
कंप्यूटेशन मैटर्स. तो अगर हम साइन को चेंज कर देते हैं, एरर का वैल्यू ऑफ एरर को चेंज कर देते हैं साइन ऑफ एरर से, तो कंप्यूटेशंस बिकम इजियर. एंड दिस एल्गोरिदम इज काइंड कॉल्ड साइन LMS एल्गोरिदम. दूसरी जो वेरिएशन है, सिंपल सी वेरिएशन LMS की है, वो है साइंड रिग्रेशन एल्गोरिदम उसको कहते हैं. इसमें क्या होता है, इंस्टेड ऑफ चेंजिंग द साइन ऑफ एरर, वी चेंज द साइन ऑफ इनपुट सिग्नल. सॉरी नॉट चेंज सॉरी इंस्टेड ऑफ टेकिंग द साइन ऑफ एरर, इंस्टेड ऑफ द वैल्यू ऑफ द एरर, हम इनपुट सिग्नल्स के साइन लेते हैं इंस्टेड ऑफ द वैल्यूज. विच मीन्स के आपके पास जो है वो और ये बिट बाय बिट हो रहा होता है. सो व्हाट व्हाट डज इट से कि अगर फर्ज करें मेरे पास इनपुट जो है -2.5 1 3.28 है, तो अगर हम साइन ले रहे हैं तो इट मीन्स कि आई एम एक्चुअली गिविंग दीज वैल्यूज. ठीक है, कि आपके पास -1 1 1 एंड 1 ये जा रहा है. ऑब्वियसली बात है कि अगेन इसकी वजह से भी जो है वो हमारे पास एरर इंट्रोड्यूस हो जाएगा, बट स्टिल दैट दे आर सेइंग इसके इट बेटर, इट वर्क्स बेटर देन द साइन एल्गोरिदम. एंड अगेन जो देयर इज अनदर सिंप्लीफाइड LMS एल्गोरिदम जो है, दैट इज कॉम्बिनेशन ऑफ दीज टू. साइन साइन एल्गोरिदम है जिसमें इस प्रोडक्ट का हम साइन ले रहे होते हैं. आफ्टर मल्टीप्लाइंग वट एवर वी आर गेटिंग, वी आर वी टेक द साइन ऑफ दैट नंबर. और अगेन ऑल थ्री ऑफ दीज वुड जेनरेट सम एरर, जिसकी वजह से जो भी हमारे पास नेक्स्ट इटरेशन में वेट्स आ रहे हैं, दे विल नॉट बी द सेम एज दे शुड हैव बीन अगर हम एक्चुअल वैल्यूज को यूज कर रहे होते. लेकिन इन मैनी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ये सारे एल्गोरिदम्स जो हैं क्लोज टू द ऑप्टिमम पे कन्वर्ज कर जाते हैं. ठीक है, जो भी ऑप्टिमम आपका विनर सोल्यूशन, विनर फिल्टर का सोल्यूशन होता है. ठीक है, लेकिन हमेशा दिस इज नॉट ट्रू. ठीक है, और फॉर एग्जाम्पल जिस तरह यहाँ पे इन्होंने एक एग्जाम्पल भी दी हुई है कि साइन साइन एल्गोरिदम जो है जिसमें हम प्रोडक्ट का साइन ले रहे होते हैं, ये बेसिकली ये अब देखिए ना कि अगर आप ये एल्गोरिदम ले रहे हैं तो एक्सपेक्टेड वैल्यू आप वैसे क्या करते हैं कि इसको ऑर्थोगनैलिटी चेक करने के लिए एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एरर एंड जो भी इनपुट होता है दे शुड बी इक्वल टू जीरो. बट अब आप क्या कर रहे हैं, अब दिस इज एक्चुअली चेकिंग द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ साइन ऑफ एरर एंड एक्स ऑफ एन. सो इट इज एक्चुअली सेइंग इट इज नॉट एक्चुअली लुकिंग फॉर द ऑर्थोगनैलिटी कंडीशन जिसकी बेस पे हम मिनिमाइज एरर जो है वो मतलब विच इज द बेसिक हाइपोथेसिस जिसकी बेस पे आप विनर फिल्टर को लेके चलें कि वी आर ऑलवेज टेकिंग द ऑर्थोगनैलिटी प्रिंसिपल जो है वो होल्ड करता है. दैट मीन्स के एरर इज ऑलवेज ऑर्थोगनल टू द इनपुट सिग्नल. बट इस केस में तो हमारे पास वो कंडीशन ही चेंज हो गई है. तो इट मीन्स के देर इज ऑलवेज अ चांस के आपके पास जो अभी कन्वर्जेंस होगी इट विल नॉट बी एट द स्पेसिफिक लेवल जहाँ पे पहुँचना चाहिए, ये ऑप्टिमम वैल्यू पे कन्वर्ज कर रहा होगा. ठीक है, अच्छा, इसमें परफॉर्मेंस कंपैरिजन जो है वो आपकी बुक में फिगर 6.14 में दी हुई है. लेट्स टू किधर है बेहरूस की, आई गेस कि मैंने, हाँ जी ये, सो लेट्स में लेट्स सी के 6.12 जो इसकी फिगर है वो है किधर. हम यहाँ से देख लेते हैं इसको के, जी 6.12 ही है ना, 14 है, 6.14 है, सॉरी किधर चले गई वो बुक, मैंने क्लोज तो नहीं कर दिया. हाँ ये रही, ओके 6.14
1-4। जी ठीक है, दिस इज एक्चुअली दे आर एक्चुअली शोइंग डिफरेंट, और ये किसी एग्जाम्पल के रेफरेंस से, जो एग्जाम्पल यहाँ पे इन्होंने दी हुई है उसके रेफरेंस से जो है वो डिफरेंट सिंप्लीफाइड जो मॉडिफाइड एल्गोरिदम्स हैं उनको यहाँ पे डिस्प्ले किया हुआ है उनके रिजल्ट्स को। एंड यू कैन सी के जो कन्वेंशनल है दैट इज एक्चुअली द स्ट्रेट लाइन, ये बहुत जल्दी हमारे पास जो है वो कन्वर्ज कर रहा है, बाकी जो है उनका रेशियो जो है इट्स डेफिनेटली एरर जो है वो ज़्यादा है आपके पास जो है वो इतना, यानी ये साइन रिग्रेसर जो है दैट इज़ क्लोज टू द स्टैंडर्ड कन्वेंशनल एलएमएस, और खाली साइन और साइन साइन जो है यू कैन सी के दे हैव डिफरेंट कर्व्स, लेकिन अगेन दीज लर्निंग कर्व्स आर नॉट स्टैंडर्ड। ये जिस भी एग्जाम्पल के लिए उन्होंने बनाए हुए हैं उससे तो उसमें तो हम इनको वो कर सकते हैं, बट इन जनरल दिस इज नॉट ऑलवेज द ट्रेंड कि आपके पास जो है इसी फॉर्म में वो सारे के सारे चेंज हो रहे होंगे। ओके नेक्स्ट जो है जल्दी जल्दी से हम वो कर लेते हैं ताकि वी विल जस्ट फिनिश टुडे अबाउट दिस एलएमएस। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट वेरिएशन है एलएमएस की दैट इज़ नॉर्मलाइज एलएमएस, और नॉर्मलाइज एलएमएस में और एलएमएस में जो है वो डिफरेंस क्या होता है कि दिस इज़ एन स्पेशल दिस इज़ अ स्पेशल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एलएमएस एल्गोरिदम जो कि हमारे पास फिल्टर के इनपुट पे जो सिग्नल्स हैं उसके एम्पलीट्यूड के चेंजेस को लेकर डिफाइन कर रहा होता है स्टेप साइज। ठीक है, सो इन अदर वर्ड्स इसके अंदर, और जो दूसरा हमारे पास है स्टैंडर्ड, हमने अभी तक जो किया है इसमें वी हैड दिस इक्वेशन एच ऑफ एन प्लस म्यू ई एन एक्स हैट ऑफ एन, सॉरी एक्स 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 ऑफ एन। इस केस में जो है म्यू आपने देखा है कि थ्रू आउट एक स्टेप साइज को हम कांस्टेंट रख रहे होते हैं, म्यू के साथ हमने एन नहीं लगाया हुआ। जब हम नॉर्मलाइज एलएमएस की बात करते हैं तो इन दैट केस इट चेंजेस टू म्यू एन ई एन, विच मीन्स कि जिस तरह इनपुट एरर ये हर चीज़ जो है वो उस स्टेप पे कंप्यूट हो रही है, म्यू को भी हम उस स्टेप पर ही कंप्यूट कर रहे होते हैं। ठीक है, सो इन अदर वर्ड्स हर रिकर्जन के बाद हमारे पास एक स्टेप साइज की नई वैल्यू आ रही होती है डिपेंडिंग अपॉन के हमारे पास इनपुट जो है उसकी वैल्यूज किस तरह से चेंज हो रही होती है। और इस केस में व्हाट एक्चुअली वी वांट टू डू इज के वी वॉन्ट टू सेलेक्ट अ वैल्यू ऑफ म्यू दैट विल चेंज द पोस्टेरियर ए पोस्टेरियोरी एरर, विच मीन्स के जो एरर अब आने वाला है, यानी इट मीन्स के एच एन प्लस वन में एरर को हम मिनिमाइज करना चाहते हैं बाय सेलेक्टिंग सम सूटेबल वैल्यू ऑफ म्यू। तो उसके लिए जो हम सिंपल सी कंप्यूटेशन कर सकते हैं वो किस तरह कर सकते हैं कि अगर हम इसको करना चाह रहे हैं एरर को मिनिमाइज करना चाह रहे हैं तो व्हाट वी आर एक्चुअली ट्राइंग टू डू इज वी आर ट्राइंग टू वी आर ट्राइंग टू हमने अगर आपको याद हो कि एरर के लिए जो हमारे पास इक्वेशन होती थी इट वाज इक्वल टू डी ऑफ एन माइनस एच ट्रांसपोज एन एक्स ऑफ एन। ठीक है, इसको जो है ना मैंने ये जो एरर है इसको आपकी बुक में क्योंकि ये नोटेशन थी तो मैंने भी यूज़ किया है कि फ्यूचर का जो एरर है यानी एच ऑफ एन प्लस वन का जो एरर है इसको ई प्लस से रिप्रेजेंट हमने किया हुआ है। ठीक है, सो ई प्लस इज एक्चुअली द एरर विच वुड हैपन व्हेन द वेट इज एच ऑफ एन प्लस वन। ठीक है, तो इसका मतलब है कि वी नीड टू टेक द ट्रांसफॉर्म ऑफ ट्रांसपोज ऑफ एच ऑफ एन प्लस वन एंड इसके साथ एक्स ऑफ एन को मल्टीप्लाई करना है। आगे जो है इसमें कुछ भी खास नहीं किया हुआ, मैंने सिर्फ और सिर्फ क्या किया हुआ है कि एच ऑफ एन प्लस वन ट्रांसपोज की वैल्यू इसके अंदर पुट कर दी है फ्रॉम दिस इक्वेशन। ठीक है, एच ऑफ एन प्लस वन है इसका ट्रांसपोज लेके और इसकी फॉर्म में मैंने लिखा है। एंड देन व्हाट इज हैपनिंग के ओके थोड़ा सा ना मुझे इसको
एनलार्ज करने में जी। तो अब यहाँ से आप ये चीज़ देख सकते हैं कि मैंने इसकी सिर्फ वैल्यू को पुट कर दिया है और उसके बाद सिर्फ रीअरेंज किया। ये मैं ज़ाहिर नोट्स आपको अपलोड करूँगी तो यू शुड बी एबल टू सी कि क्या हो रहा है। तो जब हमने रीअरेंज कर दी है वैल्यू, तो ये वाला जो फैक्टर है दिस कम्स आउट टू बी ई ऑफ एन। इसका मतलब है कि जो फ्यूचर है दिस इज़ नॉट ट्रांसपोज, ये प्लस होना चाहिए जो कि थोड़ा सा ट्रांसपोज की तरह लग रहा है, यानी ई प्लस ऑफ एन। तो जो जो फ्यूचर वैल्यू ऑफ ई प्लस ऑफ एन है, एरर है, दैट इज़ डिपेंडेंट अपॉन द करंट एरर, ठीक है, माइनस दिस समथिंग जो भी फैक्टर हमारे पास आ रहा है। और अगेन दिस इज़ नॉट समथिंग डिफिकल्ट फॉर यू टू फिगर आउट, क्योंकि इस तरह की हम कंप्यूटेशन बहुत कर चुके हैं और यहाँ पे भी मैंने स्टेप लिख दिए कि किस तरह हो रहा है। सो व्हाट इज़ एक्चुअली हैपनिंग इज कि एट द एंड मेरे पास ई प्लस ऑफ एन की जो इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ ई ऑफ एन ये वाली आ जाती है। अब व्हाट वी वॉन्ट टू डू इज वी वॉन्ट टू फाइंड दिस म्यू सो दैट स्क्वेयर एरर जो है दिस इज मिनिमाइज। तो सिंपली आगे जो है वो मैंने क्या काम किया हुआ है, आई हैव टेकन स्क्वेयर ऑफ दिस फंक्शन जो एच ई प्लस ऑफ एन है, इसको स्क्वेयर किया है, एंड देन आई हैव टेकन इट्स डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एन और उसको जीरो कर दिया, बिकॉज वी नो कि रेट ऑफ चेंज शुड बी जीरो, रेट ऑफ चेंज विद रिस्पेक्ट टू द स्टेप साइज शुड बी जीरो, जहाँ पर भी आपका एरर मिनिमाइज हो जाता है, ठीक है। और अगर आप ये नहीं भी करते तो सिंपली जो है यहाँ से हमें नज़र आ रहा है कि मिनिमाइजिंग का क्या मतलब है कि वी वॉन्ट द वैल्यू ऑफ म्यू फॉर विच दिस इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। और ये जो है इसकी इक्वेजन मेरे पास ये वाली आ रही है, सॉरी, इक्वेशन जो है यानी स्क्वायर एरर की जब आप बात करते हैं तो इसकी इक्वेशन हमारे पास जो आती है इट विल कम आउट टू बी इन सच अ वे कि अब देखें इसमें जो इक्वेशन आ रही है, ओके लेट मी एक्चुअली राइट इट हियर, ई प्लस ऑफ एन जो है इसकी इक्वेशन मेरे पास आ रही थी ई ऑफ एन, ओके लेट मी लुकिंग टू माई नोट्स, हाँ जी, इसकी इक्वेशन आ रही है वन माइनस म्यू एन एक्स ट्रांसपोज एन एक्स ऑफ एन टाइम्स ई एन, ठीक है। अगर मैं स्क्वेयर करती हूँ सिंपली तो इसका मतलब है इसको इसके साथ ही मल्टीप्लाई कर रही हूँ। अब इसको अगर हम जीरो करना चाहते हैं एक तरीका तो वही है कि आप डेरिवेटिव लें विद रिस्पेक्ट टू म्यू एन और उसके बाद उसको जीरो कर दें। और दूसरा मुझे यहाँ से भी नज़र आ रहा है कि इफ़ आई टेक म्यू एन टू बी इक्वल टू वन ओवर एक्स ट्रांसपोज एन एक्स ऑफ एन देन दिस विल बी जीरो, और जब ये जीरो हो जाएगा तो इसका मतलब है कि एरर जीरो हो जाएगा। सो इन अदर वर्ड्स दोनों तरीकों से जो है वी आर गेटिंग एट द सेम कंक्लूजन दैट नॉर्मलाइज एल एम एस में इफ वी टेक द स्टेप साइज टू बी इक्वल टू वन ओवर एक्स एन ट्रांसपोज टाइम्स एक्स ऑफ एन देन इन दैट केस एरर वुड बी मिनिमाइज, यानी हर स्टेप पे आप इनपुट लें और उसकी एंड दिस एक्चुअली फैक्टर इज द एनर्जी इन द सिग्नल। एक्स ट्रांसपोज को एक्स ऑफ एन से जो मल्टीप्लाई करते हैं हमारे पास एक नंबर आता है दैट इज़ एक्चुअली जिसको हम नॉर्म कहते हैं, नॉर्म इज़ बेसिकली द एनर्जी इन द रैंडम, अगर आपके पास सिग्नल है स्टेशनरी सिग्नल तो उस केस में दैट इज इक्वल टू एनर्जी। सो व्हाट वी कंक्लूड फ्रॉम हेयर इज के एक तो ये कि देखें नॉर्मलाइज एल एम एस का आपने सिर्फ ये याद रखना है कि दिस इज एन एल एम एस इन विच द रेट ऑफ स्टेप साइज इज डिपेंडेंट अपॉन द चेंज इन द इनपुट। जब भी इनपुट का जो चेंज होता है मैग्नीट्यूड उसके साथ स्टेप साइज चेंज हो जाता है, और वो कैसे चेंज हो जाता है फ्रॉम हेयर वी कैन सी कि स्टेप साइज इज एक्चुअली प्रोपोर्शनल टू द एनर्जी ऑफ द सिग्नल। सो दिस इज नॉर्मलाइज एल एम एस की हमारे पास जो है वो इक्वेशन आ जाती है सिंप्लीफाइड फॉर्म में। आगे सिर्फ एक और मैं एल एम एस की जो है वो वेरिएशन करवाऊंगी और उसके बाद वी विल स्टॉप एज फार एज एल एम एस इज कंसर्न। बेसिकली इसमें एक और थी जो मैं करवाना चाहती थी, लेकिन क्योंकि आप में से सारे लोगों ने ऑप्टिमाइजेशन नहीं पढ़ी हुई और उसमें ऑप्टिमाइजेशन की काफ़ी एल्गोरिदम्स यूज़ होने से तो आई एम जस्ट स्किपिंग दिस। और मेरा क्वेश्चन पूछने का मकसद ये था कि अगर आप लोगों को आता हो तो मे बी आपको मैं होमवर्क में करने को दे देती, बट इट सीम्स कि आप लोगों ने नहीं पढ़ी हो तो इट्स इट इज़ ओके एनी वे। तो सो जो नेक्स्ट आखिरी एल्गोरिदम हम देखेंगे दैट इज़
वेरिएबल स्टेप साइज LMS, ठीक है। अब देखें, अभी भी हमारे पास वेरिएबल स्टेप साइज है, बट नाउ व्हाट इज एक्चुअली हैपनिंग इज कि एक स्टेप में अब ओके जो चीज़ मैं कहना चाह रही हूँ, जो हमारे पास वी स्टार्टेड विद कन्वेंशनल LMS, ओके ठीक है, कन्वेंशनल LMS हमने देखा है। कन्वेंशनल में क्या है, म्यू इज कांस्टेंट, बेशक आप जितनी मर्जी इटरेशन कर दें म्यू इज कांस्टेंट। फिर है नॉर्मलाइज LMS, नॉर्मलाइज LMS में क्या हो रहा है, म्यू इज डिपेंडेंट अपॉन द नंबर ऑफ इटरेशन, जिस इटरेशन पर आप हैं उस वक्त जो भी इनपुट की वैल्यूज थी उस पर म्यू डिपेंडेंट हो रहा है। देन वी आर टॉकिंग अबाउट वेरिएबल साइज LMS, वेरिएबल साइज LMS में क्या हो रहा है कि आप देखिए इन दोनों केसेस में, इवन इस केस में क्या हो रहा है कि जब मेरे पास एच ऑफ एन प्लस वन है एंड आई एम कंप्यूटिंग इट फ्रॉम एच ऑफ एन प्लस म्यू एन टाइम समथिंग, देन इन दैट केस व्हाट आई एम डूइंग इज कि अब एच फर्स्ट करें, एच में मेरे पास 10 टैप्स है, तो इसका मतलब है कि एच जीरो के लिए भी यानी एन nth iteration के ऊपर मैंने जो भी म्यू की वैल्यू ले रही है इट इज़ सेम फॉर ऑल टैब्स, जीरो के लिए भी, वन के लिए भी, टू के लिए भी, उसी के साथ हो रहा है। वेरिएबल साइज LMS क्या है, ये उससे भी ज़्यादा जो है वेरिएबिलिटी लेता है कि ये हर स्टेप हर टैब के लिए स्टेप साइज की वैल्यू को चेंज करते हैं। और वाई डू वी डू दैट, बिकॉज हमें पता है कि स्टेप साइज पैरामीटर्स इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जब हम LMS की कन्वर्जेंस की बात करते हैं। और हमने ये भी देखा है कि अगर ये जो स्टेप साइज है वो बहुत ज़्यादा बड़ा है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि हमारे पास अगर लार्ज स्टेप्स हैं तो इसका मतलब कन्वर्जेंस जल्दी हो जानी चाहिए, ठीक है। लेकिन हमने ये देखा था कि मिस एडजस्टमेंट को हम स्मॉल रखना चाहते हैं और मिस एडजस्टमेंट जो है दैट वॉज एक्चुअली प्रोपोर्शनल टू द साइज म्यू, तो इसको स्मॉल रखने के लिए हमने स्मॉल म्यू को छोटा रखना है। सो इट मीन्स कि देयर हैज़ टू बी अ कॉम्प्रोमाइज कि कितना बड़ा रखें कितना रखें, तो उसको कॉम्प्रोमाइज को यानी उस स्पेसिफिक चीज को अचीव करने के लिए व्हाट वी डू इज के हम हर टैब के लिए अलग से जो है वो म्यू को सेट करते हैं। चलें जी, हेलो, आवाज आ रही है? अब आ रही है, ओके, बीच में मेरा नेटवर्क आज बैठ गया। चलें, कहाँ तक आवाज आई थी मुझे बीच में जो है वो ये एम जो है, ओके चलें, लेट मी जस्ट रीस्टार्ट। मैं एक्चुअली चाहती हूँ कि ये 3-4 मिनट में हम ख़त्म कर दें इसको। सो इस वेरिएबल स्टेप साइज LMS का जो है, जिस तरह से हमने देखा है कि LMS जो है इन सर्टन यानी इन ऑर्डर टू हैव वेरी रैपिड कन्वर्जेंस हम ये चाहते हैं कि LMS स्टेप साइज की वैल्यू जो है वो ज़्यादा हो, लेकिन ये कि मिस एडजस्टमेंट को अगर हमने कम रखना है तो वी वॉन्ट स्टेप साइज टू बी स्मॉल, बिकॉज मिस एडजस्टमेंट जो था दैट वॉज प्रोपोर्शनल टू दिस स्टेप साइज। सो इन अदर वर्ड्स, एक म्यू जो है इट मे नॉट बी, या इवन एक टाइम पर अगर एक इटरेशन में आप फिक्स कर दें म्यू तो इट मे नॉट बी द ऑप्टिमम सोल्यूशन। सो इन द केस ऑफ वेरिएबल स्टेप साइज LMS, हर फिल्टर टैप के लिए हम डिफरेंट म्यू की वैल्यू को फिक्स करते हैं या कम फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। और बिकॉज फॉर सर्टन थिंग्स हमें ज़्यादा अचीव लार्ज साइज म्यू रखना चाहते हैं हम, एंड फॉर सर्टन सिचुएशन वी वांट द स्टेप्स ऑफ साइज टू बी स्मॉल। सो हाउ डज इट वर्क के वी हैव सीन के LMS केस में स्टैंडर्ड या कन्वेंशनल LMS में जो है हमारे पास इक्वेशन ये वाली आती है जो कि हम डिराइव कर चुके हैं ऑलरेडी जब हमने LMS स्टार्ट किया था। इन द केस ऑफ साइज
वेरिएबल स्टेप साइज LMS, हम क्या करते हैं कि वी टेक एक्चुअली हर इंडिविजुअल स्टेप टैप जो है उसकी नेक्स्ट इटरेशन की वैल्यू विल बी डिपेंडेंट ऑन द टैप्स इटरेशन वैल्यू एट द करंट इटरेशन प्लस द वैल्यू ऑफ द स्टेप साइज फॉर द करंट इटरेशन फॉर दैट पर्टिकुलर टैप ओनली. ठीक है, हम और किसी टैप की बात नहीं कर रहे. और इसी तरह से जो है वो एंड देन एक्स की वैल्यू एट दैट पर्टिकुलर टाइम जो है जिस टाइम के ऊपर हम ये कंप्यूटेशन कर रहे हैं. सो इन दिस वे हमने जो आप ये समझ लें कि वेरिएशंस जो है वो बहुत ज़्यादा, यानी हर टैप जो है वो एक डिफरेंट तरीके से कन्वर्ज कर रहा होगा बेस्ड अपॉन के उसको कितना रैपिडली करना चाहिए या व्हाट इज़ द ऑप्टिमम पोजीशन फॉर दैट. और इन टैप्स के लिए जो बेसिकली हम नॉर्मली जो हाँ जी जो हम वो यूज़ करते हैं कि हाउ डू वी डिसाइड कि ये जो म्यू आई ऑफ एन है इसको इंक्रीज करना चाहिए या डिक्रीज करना चाहिए, तो उसके लिए एक बहुत जेनेरिक सा क्राइटेरिया यूज़ करते हैं कि फॉर एग्जांपल फर्स्ट करें कि अब क्या होता है कि नंबर ऑफ इटरेशंस में वी ट्राई टू सी के किस डायरेक्शन में जा रहा है कोई भी टैप जो है. फॉर एग्जांपल अगर फर्स्ट करें कि एक एच नॉट जो है इसकी वैल्यू एच ज़ीरो जो है या हाँ जी चले एच ज़ीरो जो है उसकी वैल्यू बहुत देर तक पॉजिटिव रहेगी. ठीक है, एच ज़ीरो में जो चेंज आ रहा है जो ग्रेडियंट है इन द डायरेक्शन ऑफ एच ज़ीरो इट इज़ पॉजिटिव फॉर नंबर ऑफ इटरेशंस. तो इसका क्या मतलब है कि इसका मतलब है कि एक ही डायरेक्शन में जाना है ना. मतलब देखें व्हाट एक्चुअली हैपन्स इज कि जब हम बहुत ज़्यादा बड़ा साइज रख देते हैं, अभी तो हमने देखा है ना कि जब बड़ा साइज रखें तो कन्वर्जेंस जल्दी होती है, लेकिन वी हैव सीन कि जब बड़ा साइज रखते हैं तो इट कैन पास थ्रू दैट मिनिमम पॉइंट एंड इट कैन डू समथिंग लाइक दिस कि आपके पास जो है फ्लक्चुएशंस हो जाती हैं. छोटे साइज से वो बहुत जल्दी बहुत देर से जो है वहां तक पहुंच रहा होता है. सो द कॉम्प्रोमाइज कैन बी कि हम ये देखते रहे कि अगर फर्ज करें कि सेम एक स्टेप लिया, दूसरा स्टेप लिया, तीसरा स्टेप लिया और सेम डायरेक्शन में आपका स्लोप जा रहा है या ग्रेडियंट जा रहा है, देन इट मीन्स के इट इज़ ओके टू मूव अ बिट फार्दर इन द सेम डायरेक्शन. यानी बड़ा स्टेप भी इस डायरेक्शन में लेना इज़ ओके बिकॉज ऑफ द रीज़न के ये सेम स्लोप जा रहा है तो मूव उसी डायरेक्शन में करना चाहिए. ठीक है, लेकिन तो उस केस में क्या करता है ये एल्गोरिदम कि अगर जब इसको नज़र आ रहा हो कि किसी एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में वैल्यूज जो है वो सारी पॉजिटिव हो रही हैं हर स्टेप में या नेगेटिव हो रही हैं तो स्टेप साइज को बढ़ा देता है. लेकिन जहां फ्लक्चुएशंस आना शुरू हो जाती हैं यानी पॉजिटिव टू नेगेटिव, नेगेटिव टू पॉजिटिव, देन इट रियलाइजेस कि अच्छा अब ये जो हमारा ऑप्टिमम पॉइंट है समहाउ इट इज मिसिंग द ऑप्टिमम पॉइंट. तो उस केस में उस स्पेसिफिक वेट जो टैप वेट है उसके लिए फिर स्टेप साइज को कम कर देता है एंड देन इट डज इट फॉर ऑल द टैप वेट्स. फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास एक फिल्टर है जिसमें एच नॉट से लेकर एच थ्री तक मेरे पास वैल्यूज हैं तो इसके लिए म्यू नॉट होगा, म्यू नॉट से म्यू थ्री तक जा रहा होगा विच विल बी एडजस्टेड एट ऑन एवरी स्टेप बेस्ड अपॉन कि आपका जो ये वैल्यूज हैं ये नंबर ऑफ इटरेशन तक अगर पॉजिटिव रही हैं नेगेटिव रही हैं यानी किस डायरेक्शन में उसको मूव करना चाहिए. सो दिस इज द वे इट एक्चुअली ट्राई टू हैव ऑल द जो भी हमारी कॉन्फ्लिक्टिंग रिक्वायरमेंट्स हैं कि एम जो है या मिस एडजस्टमेंट जो है उसको भी हम ऑप्टिमम करें या इन अदर वर्ड्स के जो हमारे पास कन्वर्जेंस है वो बहुत क्लोज टू द ऑप्टिमम पॉइंट हो ये भी इंश्योर करे. एंड देन अदर थिंग जो कि इंश्योर करे वो ये भी है कि आपके पास जो है वो बहुत ज़्यादा स्टेप साइजेस बड़े ना हों और लेकिन ये कि सेम स्टेप साइजेस ना हो, जहाँ बड़े करने हो वहाँ बड़े हो जाए, जहाँ छोटे करने हो वहाँ पे आप छोटे कर दें स्टेप साइजेस. बट अनदर इशू दैट कैन अराइज हेयर आल्सो इज द फैक्ट के आपके पास जिस तरह आप यहाँ पर देखें ना कि मैंने क्या कहा है कि स्टेप साइज जो है वो बड़े कर देगा व्हेन इट सेज के जी सीज के
पॉजिटिव ही डायरेक्शन में ग्रेडियंट चलता चला जा रहा है, तो इसका मतलब है कि इसी डायरेक्शन में जाना चाहिए. बट द थिंग इज कि देर इज अ पॉसिबिलिटी कि बहुत बड़ा साइज हो जाए, जिसकी वजह से जो है वो आपके पास फ्लक्चुएशन स्टार्ट हो जाए. और ऑन द अदर हैंड देर इज अ पॉसिबिलिटी कि नेगेटिव पॉजिटिव आपके पास आ रहे हैं या ग्रेडियंट का जो है वो डायरेक्शन चेंज हो रही है, तो स्टेप साइज वो इतना छोटा कर दे कि वो वेरिएशन जो हो रही हैं किसी भी एक्चुअल वैल्यूज में वो उसको ट्रेस ही ना कर पाए. सो देर हैज टू बी अ क्राइटेरिया. जिस तरह हमने ये कहा था कि जब हम कॉन्स्टेंट म्यू लेते हैं तो हमने ये कहा था कि इट हैज टू बी बिटवीन 0 to 1/3 ट्रेस ऑफ आर. उसी तरह से जो है वो इसके लिए भी हम स्टेप साइज जो है उसको कंट्रोल करते हैं. ये जो छोटा सा छोटी सी चीज़ है इसको मैं अभी यहीं पे रोक देती हूँ बिकॉज 6 बजे मेरी दूसरी क्लास है. सो लेकिन इस चीज़ को फिर हम नेक्स्ट क्लास में जो है वो डिस्कस करेंगे. वी वोंट बी एक्चुअली डूइंग एनी कंप्यूटेशंस, मतलब हम डेरिवेशन नहीं करेंगे. वी विल जस्ट आप ये कह लें कि इंट्यूशन बेस पे वी विल ट्राई टू सी के व्हाट शुड बी द वैल्यू एंड हाउ शुड दिस इक्वेशन चेंज फॉर ईच एंड एवरी स्टेप जो साइज है वो हम ले रहे हैं फॉर ईच एंड एवरी डायरेक्शन एंड फॉर ईच एंड एवरी टैप वेक्टर. तो चले यहाँ पे हम रोकते हैं एंड थैंक यू.